भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने खुशखबरी दी है। जी हाँ, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरने वाली विशेष पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत आज यानी के 14 नवंबर से हो रही है, जो कि दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। आपको बता दें कि 16 दिनों का एक सामूहिक पैकेज होगा, जिसमें भारत में भगवान राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थल जैसे अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, इसके साथ साथ श्रीलंका के 4 स्थलों की भी यात्रा कराई जाएगी। वहीं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अनुसार यात्रियों के लिए टूर पैकेज में आने जाने के साथ साथ खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ 800 यात्री सफर कर पाएंगे, जिसमें 16 दिन के लिए एक व्यक्ति के टिकट की कीमत 15,120 रुपए होगी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका दौरे के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा, जिसमें 16 दिन के लिए एक व्यक्ति के टिकट की कीमत 36,970 रुपए होगी। इस टूर पैकेज में भारतीय रेलवे यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नेशन वन से प्रियंका मलिक की रिपोर्ट। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स।